So, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ CUI क्या होती है, CUI के कुछ एग्जांपल्स, और इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे CUI और GUI के बीच में। So, hello guys, मेरा नाम अभिजीत, आप देख रहे हैं ट्विस्टी टेक यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं CUI का फुल फॉर्म क्या होता है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब बात कर लेते हैं CUI होती क्या है और CUI में चीजें कैसे काम करती है। सो गाइस, CUI को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल पिक करता हूँ, वो है DOS। जी हाँ, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप DOS यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको DOS में एक एक स्टेप को परफॉर्म करने के लिए कमांड देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना हो किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो आप विंडोज 10 में या विंडोज 7 में तो बड़े आराम से एक्सेस कर लेते, डबल क्लिक करके या फिर जैसे भी आप सर्च करके आप उस फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। पर अगर आप DOS में, यानी कि जिसमें CUI का उपयोग किया है, जिस भी OS में आप उसमें अगर किसी फाइल को खोलना चाहेंगे तो इतना आसान नहीं है भाई। आपको फाइल एक्सप्लोरर का रूट फोल्डर देना होगा, उसके बाद आप जिस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं वो किस रूट फोल्डर में, सी ड्राइव में है, फिर वहां पे किस ड्राइव में है, मतलब किस फोल्डर में है, आपको जहां जहां जितने भी अंदर आपने उस फाइल को रखा हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर, आपको पूरा रूट फोल्डर सही से डालना होगा, तभी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको फाइल को ओपन करना है तो आपको उसके बाद भी कमांड देना होगा, रीड एंड राइट करने के लिए कमांड देना पड़ता है, जिससे कि आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, और उसमें आप उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। और अगर आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप चाहे तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि CUI में कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आपको इंटरेक्ट करने के लिए कैरेक्टर लिखना पड़ता है, यानी कि उसे कमांड देना पड़ता है, वो भी लेटर्स में या न्यूमेरिक वैल्यू में। अब कंपैरिजन कर लेते CUI और GUI के बीच में, क्योंकि पहले के वक्त में CUI उपयोग किया जाता था और अभी के वक्त में GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, GUI के ऊपर पहले ही से ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दिया है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। GUI के बारे में आपको और अच्छे से मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि GUI के बैकग्राउंड में CUI कैसे काम करती है। दोस्तों, आप जो ग्राफिक्स देख पाते हैं, जो आइकन्स देख पाते हैं जिसपे आप क्लिक करते हैं, और जो आपको आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसके पीछे जो चीजें काम करती है वो CUI के मदद से काम करती है। और ग्राफिक्स के द्वारा ही उस कोडिंग को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया जाता है आपके फंक्शंस को एक्सेस कराने के लिए, या फिर आपने जो टास्क अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को दिया है परफॉर्म करने के लिए, वो इजिली वो पूरा कर पाता है बिना कोडिंग टाइप किए। अब बात कर लेते हैं UI बेस्ड कंपैरिजन के बारे में। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। तो CUI में आपको एक ऐसा यूजर इंटरफेस मिलता है जिससे कि आपको यूज करने में कोई मजा नहीं आएगा, उल्टा आप बोर हो जाइएगा यूज करने में, क्योंकि आपको आप पता है ये पूरी आपको लिखना ही पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, तो उस वो आप रहने दीजिए। और GUI में दोस्तों आपको बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स मिलते हैं, जिससे कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप को वो किसी भी प्रकार के विंडोज के साथ आता हो या फिर वो मैक हो, कोई भी प्रकार का OS हो, उसमें आपको यूज करने में बहुत ही आसानी होती है, मजा आता है, और आपकी काम जो है वो बहुत जल्दी होती है CUI के बजाय, क्योंकि CUI में आपको पता है ये सब कुछ टाइप करना पड़ता है, और GUI में आपको ग्राफिक्स मिलता है जो कि आपको और ईज ऑफ एसेस देता है। जो टेक में इंटरेस्ट उतना नहीं रखते या जिन्हें थोड़ी बहुत टेक की नॉलेज है उन्हें दिक्कत हो रही हो, तो इसीलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ जो आप डेली यूज करते होंगे, उससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्मार्टफोन, दोस्तों स्मार्टफोन में GUI कैसे काम करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, स्मार्टफोन में भी GUI काम करता है, जैसे कि आपने फाइल मैनेजर ओपन किया, मैं हमेशा फाइल मैनेजर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि फाइल मैनेजर सभी डिवाइसेज में अवेलेबल होता है और आप अपने फाइल्स को एक्सेस करने के लिए फाइल मैनेजर ही ओपन करते होंगे। तो अगर आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है तो आपका जो डिवाइस, आपका जो भी UI है, MIUI, फिर ऑक्सीजन OS या फिर जो भी आपका UI है, आपके में वैसा आइकन बना हुआ होगा फाइल मैनेजर का, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो क्लिक करते हैं वो ग्राफिक्स हो गया। आपने ग्राफिक पे क्लिक किया और पीछे जो काम किया, जो कोडिंग काम करती है, वो होगी CUI की, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अभी भी CUI और GUI से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में रह गया तो प्लीज यार कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, और ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो कीजिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को अवेलेबल कर दीजिए। अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस
टेक इन्फो, वेब इन्फो, ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।